दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा की। इस सत्र में हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। आपको बताना है कि दिया हुआ कथन सही है या नहीं। आप प्रश्न का जवाब सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी 1, 2, 3, 4 इत्यादि को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम पूर्णांकों के अनुपात के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 इत्यादि। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखना है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 4/3, क्या यह प्राकृतिक संख्या है? यदि यह 4/3 न होकर 4/2 होता तो उसे हम भाग देकर 4/2 = 2 लिख कर कहते कि यह प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 4/3 का सरल रूप है 1.3333 इत्यादि, जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी यह कथन सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी विषम संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बताइए कि यह कथन सही है या गलत। चलिए विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसी प्रकार 27 तक या उसके भी आगे। अब इनके वर्गमूल लेते हैं तो यह संख्याएं कुछ इस प्रकार होंगी, जहां करणी में 1, करणी में 9, करणी में 25 क्रमशः 1, 3 और 5 होंगे, जो कि प्राकृतिक संख्याएं या कह लें कि परिमेय संख्याएं हैं। वहीं बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी सभी विषम संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यह कथन गलत है। वास्तविक संख्याओं में से अगर अपरिमेय संख्याओं के समूह को निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बताइए कि यह कथन सही है या गलत। दोस्तों, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बनने वाले समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी यह कथन सत्य है। वास्तविक संख्याओं में से अगर अपरिमेय संख्याओं के समूह को निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बताइए कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आप वीडियो पॉज करके अपना उत्तर सोच सकते हैं। यह प्रश्न परिमेय संख्याओं पर है, तो इसे हल करते समय परिमेय संख्या की परिभाषा ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं पहला विकल्प, 11/3। परिभाषा के अनुसार 11 और 3 दोनों पूर्णांक हैं और हर शून्य नहीं है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा विकल्प करणी में 81 वर्गमूल के रूप में है, लेकिन 81 का वर्गमूल 9 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। तीसरा विकल्प भी वर्गमूल ही है, लेकिन 15 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या या संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आप उत्तर सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला विकल्प, करणी में 27। दोस्तों, 27 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अब अगला विकल्प, ऋण करणी में 25। यहां हम 25 का वर्गमूल निकालकर 5 लिखकर फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, तब यह होगा -5, जो एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर, 27 का घनमूल। दोस्तों, यहां हमें वर्गमूल नहीं बल्कि घनमूल पूछा जा रहा है, और 27 का घनमूल 3 होता है, जो एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, घनमूल और वर्गमूल पर ध्यान दें। चलिए अब लेते हैं आखिरी विकल्प, करणी में 8 * करणी में 2। यहां 8 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल
दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, करणी में 8 गुणे 2 यानी करणी में 16 जो होगा 4। यह भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, शायद हमें ज्यादातर विकल्प देखने में अपरिमेय संख्याएं दिखाई दी, लेकिन जब हमने बारीकी से निरीक्षण किया तो केवल एक संख्या अपरिमेय संख्या निकली। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर आधारित प्रश्न हल किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।